चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें अवशिष्ट याचना का लेखा करके हम लोग सीखेंगे। ए कंपनी ने 500 रुपए प्रति अंश की दर से जनता को निर्गमित किए, ठीक है। कुल अंश 100 हैं और 100 रुपए की दर से ही दे रहे हैं, मतलब सम्मूल्य पर दे रहे हैं। प्रार्थना प्रति मतलब आवेदन प्रति से आवंटन प्रति प्रथम याचना पर 20 और अंतिम याचना पर 20, टोटल भी देख लें आप, 30 और 30 60 और 20 80 और 20 100 सम्मूल्य हो गया। सभी अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, सारे अंश आवंटित भी हो गए। एक अंशधारी जिसके पास 10 अंश थे दोनों याचनाएं ना चुका सका, मतलब कॉलसिन एरियर है। आपको इसके अतिरिक्त समस्त राशि प्राप्त होगी कंपनी में जर्नल के लेखे। बिल्कुल सिंपल, चार अवस्थाएं मतलब 8 एंट्री हमारी होनी, प्रत्येक अवस्था की 2 एंट्री एडिंग हो गई हमारी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। चलिए पहली एंट्री मैं अब थोड़ा सा इसको पार्टीशन कर लेती हूँ ताकि हमारा सवाल हमसे जल्दी हो जाएगा। एंट्रीज लगभग सब की वही समान एंट्रियां हैं। पहली एंट्री आवेदन रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट DR2 समतांश है इसलिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट नरेशन। अब आप लोग काफी यूज हो गए इन चीजों के, तो आपको अच्छे से ये नरेशन वगैरह सब याद हो गई होगी। कितने शेयर से 500 गुणे आवेदन कितने का है आपका 30 का, तो कितने रुपए रिसीव हुए 15,000 डेबिट 15,000 क्रेडिट। चलिए सेकेंड एंट्री में हम क्या करेंगे, आवेदन को ड्यू करेंगे, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, क्योंकि कोई एंट्री रिपीट हो रही है, कोई नई एंट्रीज नहीं आ रही है क्योंकि प्रक्रिया निर्गमन की एक समान रहेगी। बिंग एप्लीकेशन मनी ड्यू, ठीक, कितने से ड्यू, तो सेम अमाउंट क्योंकि सभी सम्मूल्य पर जा रहा है। चलिए अब अलॉटमेंट हम ड्यू करते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से बिंग अलॉटमेंट ड्यू, कितने से, तो आपके 500 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट अगेन 30 का है, तो आपका टोटल कितना हो गया 15,000 डेबिट 15,000 क्रेडिट। अब अलॉटमेंट रिसीव कर लेते हैं, बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बैंक अलॉटमेंट रिसीव, चूंकि अलॉटमेंट पूरा प्राप्त हो चुका है इसलिए पूरा 15,000 रिसीव कर लेंगे डेबिट 15,000 क्रेडिट। नेक्स्ट कॉल ड्यू करें, आपके पास फर्स्ट कॉल भी है और अंतिम याचना भी है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मांगते समय तो पूरा मांगना पड़ेगा, भले ही मिला नहीं है वो हमें मालूम है, लेकिन जब मांगेंगे तब थोड़ी ना हमें पता है। बिंग कॉल डी कितने से, 500 अंश है और कॉल कितने की है 20 की, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 10,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट। ओके अब आगे बढ़ते हैं, रिसीव करते समय हमें मालूम पड़ा कि 10 अंश के धारी ने हमें याचना नहीं दी। अब हम कॉल से लेकर का खाता खोल रहे हैं, तो देखिए कैसे होगा, बैंक से जो राशि मिली वो डेबिट रिसीव की एंट्री में, जो नहीं मिला या बकाया याचना है वो व्यक्ति उस राशि से हमारा देनदार है, इसलिए उस राशि को इसमें लिखते हैं बिंग सॉरी कॉल सीन एरियर अकाउंट DR2 ये पैसा काय का मांगा हमें काय का मिला हमें, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल आपकी जो रिसीव्ड की एंट्री उसी में एरियर डेबिट साइड हो जाए, और जब ये रिसीव्ड होता है एरियर वापस तो क्रेडिट हो जाता है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब हम अमाउंट निकालते हैं, फर्स्ट कॉल मांगी कितने की थी 10,000, तो पूरे 10,000 से क्रेडिट होगी, ठीक। अब एरियर कितने अंशों पर है 10 पर, और एरियर की कीमत कितनी है 20, तो 10 × 20 बराबर कितना हो गया 200, 10,000 में से 200 नहीं मिले तो बैंक के थ्रू एक्चुअल में कितने मिले 900। बी कॉल रिसीव्ड एंड एरियर ऑन 10 शेयर्स एडजस्टेड, ठीक है,
ये एरियर का आपका देखा हो गया। अब सिक्स एंट्री में फाइनल कॉल करेंगे ड्यू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग कॉल डी। ठीक, ये कॉल भी कितने से है, 50 से, सॉरी 500 गुणे कितने की है 20 की, बराबर 10,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट। अब इसे हम रिसीव्ड कर लें, रिसीव्ड में इस तरफ कर रही हूं, यहां तक का आपका नोट हो गया होगा 7 नंबर एंट्री, सॉरी 8 नंबर एंट्री होगी, ये 4 वहां की थी, ये 5 नंबर है, ये 6 और ये 7, 8 नंबर एंट्री हमारी बन रही है कॉल को रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डीआर टू, सॉरी एरियर भी है 10 अंशों का यहां पर भी, तो कॉसिंग एरियर अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक, अब अमाउंट निकाले, फाइनल कॉल मांगी कितने से 10,000, तो क्रेडिट भी 10,000 से, अगेन सेम स्थिति है, आपको 10 अंशों पर भी नहीं मिला कॉल, किस भाव से 20 के भाव से, तो कितना हो गया 200 रुपए, 10,000 में से 200 नहीं मिले, मतलब कितने मिल गए 9,800, वो बैंक के सामने चला गया बीइंग कॉल रिसीव्ड एंड एरियर ऑन 10 शेयर्स एडजस्टेड। ठीक, यहां मैं इंटरेस्ट लगाने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया है, कोई सूचना नहीं दी, अदरवाइज हम इंटरेस्ट चार्ज कर लेते, ठीक है।